अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इब्तिसाम चौधरी और आप देख रहे हैं टिकटिकी खुदा और मोहब्बत सीजन 3 जो आजकल टॉप ट्रेंड है और उसकी एक एपिसोड ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और उस ड्रामे की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती गई है। शाकिब को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, ख़ास तौर पर फरहाद जो इसका करेक्टर निभा रहे हैं फिरोज खान और माही जिसका करेक्टर निभा रही है इकरा अज़ीज़। तो ये ड्रामा कहाँ पर शूट हुआ आज आपको ये लोकेशन दिखाएंगे और इस हवेली का रिव्यू करवाएंगे जहाँ पे माही की शादी हुई। फरहाद की मोहब्बत माही उसकी शादी जिस घर हुई उस घर में मौजूद हैं और उस घर का आपको विजिट करवाते हैं और इसके साथ साथ फरहाद यहाँ पर दो बार आ चुका है। तो आपको दिखाएंगे कि क्या आगे चल कर फरहाद की माही से यहाँ पर मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आइए इस हवेली का आपको विजिट करवाते हैं। फरहाद जब दूसरी दफ़ा आया तो दरबार के फकीरों के साथ आया और इस हवेली की मालकन यानी माही की सास के इनविटेशन पर उनको बुलाया गया कि वो हवेली में आएँ और खुसूसी दुआ का अहतमाम करें। तो फरहाद यहीं पे बैठा था लेकिन वो माही को अंदर से एक तड़प तो हुई इस हवेली के अंदर से, वो अपने एक रूम में थी नमाज पढ़ते हुए का सीन है, उनको एक तड़प तो हुई अंदर से कि कोई आया है लेकिन वो आ ना सकी बाहर टाइम पर और उसका फरहाद से सामना नहीं हो सका। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है इस ड्रामे की, लास्ट एपिसोड में जो फकीर हैं जो नूरुल हसन इसका किरदार अदा कर रहे हैं दरबार में बैठे फरहाद को कहते हैं क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम जिस हवेली हम गए थे दुआ करने और उसका रास्ता आपको मालूम है? तो वो कहते हैं कि जी हाँ मालूम है। तो कहते हैं कि टाइम आने पर मैं आपको फिर एक दफ़ा वहाँ पर भेजूँगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या फरहाद और माही का सामना हो पाएगा नेक्स्ट एपिसोड में, और ये भी शायकीन को इंतज़ार है कि जब उनका सामना होगा रिएक्शन कैसा होगा, क्या फरहाद और माही इस हवेली में मिल पाएंगे और उनका सामना हो पाएगा, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही हमें पता चलेगा। लेकिन एक बात तो माननी चाहिए कि असद कुरैशी और अब्दुल्ला कादवानी के प्रोडक्शन में बनने वाला ये ड्रामा जब से ऑन एयर हुआ है इसने एक अल्लाह की मकबूलियत शायकीन में पाई है और दिन ब दिन इसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। आने वाले एपिसोड्स में मज़ीद चीज़ें रिवील होंगी और देखेंगे ये मोहब्बत कहाँ तक जाएगी और यह मोहब्बत क्या हमें लेसन देगी। इसी के साथ आपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए टिकटिकी। खुदा हाफ़िज़।